भगवान शिव ने कहा, देवी मैं और कागभुसुंडी जी दर्शन करने के लिए गए, और मैंने ये क्यों कहा कि मैंने एक चोरी की, क्योंकि आपसे मैंने ये बात छुपाई थी। मैया ने कहा, सरकार मुझे लेकर क्यों नहीं गए, मैं भी चलती, मैं भी दर्शन कर लेती। बाबा ने कहा, मन ही मन देवी इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि सारी रचना कागभुसुंडी जी की थी, उन्होंने मुझसे कहा चलोगे तो मैं चला गया, और आप दर्शन करिए, भगवान शिव ने मैया पार्वती को पहले सावधान किया है। कैसे सावधान? सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पार्वती, जो लीला बताने जा रहा हूँ ना, तो दृढ़ता से उस कथा को सुनना, कहीं प्रभु की लीला को देखकर मन में वापस से कोई शंका ना जन्म ले, तो दृढ़ता से सुनते रहिएगा। अच्छा सरकार, तो ऐसे बम बम भंडारी बन के गए थे, दर्शन मिल गया था? बाबा ने कहा, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना गए थे। तो कैसे? मनुज रूप जानई नाही को। मनुष्य के रूप में गए, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। भगवान शिव आज अयोध्या की गलियों में ऐसे डोल रहे हैं मानो किसी गुब्बारे में हवा भर के उसको बीच में छोड़ दो तो कभी इधर लहरा के जाता है, कभी उधर लहरा के जाता है। बाबा आज आनंद से इतना भर गए हैं, अयोध्या की गलियों में आनंद से घूम रहे हैं। भगवान शिव ने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए। कैसे? बाबा ज्योतिषाचार्य बन के गए, भाग्य देखने वाले। सरयू मैया के किनारे कैंप लगा, ज्योतिषाचार्य बने हैं हमारे महादेव, और उनके चेला बने हैं कागभुसुंडी जी। बढ़िया बोर्ड टांग दिया गया, यहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान सब बताया जाता है, और नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया सेवा निःशुल्क है। अब निःशुल्क पे तो पानी भी इंसान जाके पी लेता है, फ्री का एक आ जा रहा है। अब निशुल्क थी, अयोध्या वालों में लाइन लग गई। एक आया, हाथ दिखाया, बाबा ने हाथ देखा, अच्छा बहुत सुंदर, ये है वो है, सारी चीजें बताई। उसने कहा, बाबा ये बात तो सबको ही बता देता है, भविष्य में एक चीज कॉमन होती है, आप किसी को भी हाथ दिखाओ, एक बात क्या होगी, अगर कोई आपसे कह दे आप तो सबका अच्छा करते हो पर आपका कोई नहीं करता, बस आप तो वही हार गए। सही बात है, हम सबका करते हैं हमारा। और दूसरी कॉमन चीज, पैसा आता तो है पर रुकता, सब कहेंगे बिल्कुल सत्य बात, आता है पर सबको यही लगता है हमारी लक्ष्मी कहाँ रुकती है हमारे पास। महादेव ने जब बातें बताई, बाबा ये सब बात तो हर कोई बता देता है, कुछ अलग बताओ, हमें तो लगता है आप भी बस ऐसे ही हो। तब तक महादेव ने कहा, परसों ही घर पे मारपीट भई है ना। ये तो चौंक गया, हाँ बाबा आपको कैसे पता? कागभुसुंडी जी ने कहा त्रिकालदर्शी है, कहो तो ये भी बताएं किससे पीटे हो। कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बहुत है। अब प्रचार प्रसार, एक व्यक्ति से ज्यादा अच्छा प्रचार ना कोई पोस्टर करता है ना कोई पॉम्पलेट करता है। अब ये गए आराम से, पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई, एक बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं, लाइन लग गई ज्योतिष भाग्य दिखाने वालों की। अब बाबा सबका हाथ देख देख के थक गए, सोच रहे हैं जिसको देखने आए हैं वही भर नहीं दिख रहा है, इनका देख देख के बता बता के हम तो थक गए। तब तक इधर प्रभु ने एक लीला की, हमारे महादेव यहाँ आए हैं मुझसे मिलने। कैसे यहाँ अयोध्या का राजमहल है, कोई भी कैसे प्रवेश पाए अंतरंग कक्ष तक? ठाकुर जी ने रुदन करना शुरू किया, और जैसे ही रोना शुरू किया, चुप ही ना हो, मैया ने कहा, काऊ ने अच्छी नजर लगाई है मेरे लल्ला को। अब मैया ने जो इतना सा ढिठौना था उसको इतना बड़ा कर दिया, पर लल्ला का रोना ही नहीं चुप हो रहा है। मैया ना राघव जी की आंख में काजल लगाती थी, आजकल तो लगाओ तो सबसे पहला सवाल कि इन्फेक्शन हो जाएगा, और सहयोग में लक्ष्मी का लगाओगे तो हो ही जाएगा। काजल पहले, जहां तक मुझे याद है, माताएं पहले काजल खुद से बनाती थी,
वो घी की बाती बना करके रात भर ढक के रखकर सुबह बढ़िया गैया माता के घी से उसको सान कर, और ऐसा काजल जिंदगी में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, हम तो आज तक लगाते हैं, कभी नहीं कर सकता। अब रेडीमेड वो भी पेंसिल आती है, बच्चे के मुंह पे ड्राइंग बना दो सबसे अच्छा। मैया काजल लगाती थी, किसी संत ने कहा कि जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय होए जाए, उन नैनन में कौशल्या काजल रही लगाए। जिनके नेत्र के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो जाए, सद्या निर्माण हो जाए, आज मैया अपने मातृ प्रेम वश उन आंखों में काजल लगाती हैं, डिठौना लगाती हैं, क्यों कहीं मेरे लल्ला को नजर ना लग जाए। ब्रह्म निरंजन की अखियन में अंजन आज लगावत माता, काजल लगाती है लेकिन लल्ला का रोना नहीं चुप हो रहा। एक सखी ने कहा, मैया मैंने सुना है एक बड़े पहुंचे हुए हिमालय में तपस्या करके आए एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, और सुना है बढ़िया झाड़ फूंक भी करते हैं, तो कहो तो उनको बुलवा लाऊं, क्या पता अगर कोई नजर होगा टोना होएगा तो आके थोड़ा झाड़ फूंक लल्ले का कर देंगे तो ठीक हो जाएगा लल्ला। मैया ने कहा, जिसको बुलाना है बुला ले, बस मेरा लल्ला चुप हो जाए। अब ये दासी पहुंची, दासी ने जाकर कहा कागभुसुंडी जी से, जाकर कह दो कि अयोध्या के राजभवन से बुलावा आया है। काग इधर 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। कागभुसुंडी जी ने बाबा से कहा, बाबा काम हो गया। बाबा ने कहा हो गया। अब भगवान शिव ने और कागभुसुंडी जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और लगे भगने। लाइन वालों ने कहा, बाबा हमारा हाथ भाग्य तो देखो। बाबा ने कहा, पहले अपना बना ले, तुम्हारा आके देखेंगे। बाबा सीधा भगे हैं अयोध्या के राजद्वार की ओर। अब राजद्वार पर जाकर खड़े हुए, सेना खड़ी हुई है, सेनापति दोनों तरफ द्वारपाल, दोनों भीतर प्रवेश करने लगे। तब तक बोला, कहाँ? बोले, बाबा ने कहा बुलावा आया है आपके, हाँ आपके राजकुमार रुदन कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें अंबाजी ने बुलवाया है, महारानी ने बुलवाया है। द्वारपालों ने कहा, आप दोनों में से भाग्य कौन बताता है, झाड़ फूक कौन करता है? तब तक भोले बाबा ने कहा, हम करते हैं। और ये कह, नहीं नहीं ये नहीं करते। द्वारपाल ने कहा, तो बाबा आप अंदर जाओ, तो आप यहीं रहोगे। अब बाबा तो अंदर चले गए। कागभुसुंडी जी ने कहा, वाह सरकार, सारी रचना हमने बनाई, आपको लेके हम आए, और मौका मिलते ही धोखा देके चले गए। अब यहाँ पर कागभुसुंडी जी द्वार के बाहर और भोले बाबा द्वार के भीतर। अब राघव जी के पास पहुंचे, जैसे ही जाकर राघव जी के समक्ष पहुंचे, बैठ गए, चरणों का स्पर्श किया। राघव जी तो अपने भक्त को देखकर ही तुरंत रोना तो बंद हो गया। अब मैया ने कहा, बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं, मेरा लल्ला कितनी देर से रो रहा था, इनके आते ही चुप हो गया। तो मैया की उत्सुकता बढ़ी। क्या बढ़ी? बाबा सुना है भाग्य भी बड़ा अच्छा देखते हो, भविष्य बताते हो, जरा हमारे लल्ला का भी भविष्य देख के बताओ ना, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ मन ही मन कागभुसुंडी जी अंदर से बाबा से कह रहे, बाबा बुला लो, हम भी तो दर्शन करने ही आए हैं। बाबा ने कहा, मैया मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ, आपके लल्ला के हाथ छोटे से हैं और उनकी रेखाएं उससे भी छोटी महीन महीन हैं, तो मैया बूढ़ी आंखों से मोए दिखाई नहीं देता, हमारा चेला बाहर ही खड़ा है, उसको भीतर बुलवा लो, वो रेखा देखेगा, मैं रेखा का फल बताता जाऊंगा। अब भाई कागभुसुंडी जी की एंट्री, अब वो प्रवेश करके आए। अब कागभुसुंडी जी बैठे, इधर बैठे हैं महादेव। अब ये दर्शन करिए, बाबा ने राघव जी के चरणों पे अपना मस्तक रखा और थोड़ी देर बाद वो चरण उठा के अपने मस्तक पे ही धर लिया और आंख बंद कर लिया। और इधर कागभुसुंडी जी, बाबा आंख बंद करके अंतर ध्यान कर रहे हैं, और कागभुसुंडी जी ने एक तरफ रखा चरण और एक तरफ ठाकुर जी का हाथ रखा शीश पे और चरण रखा हृदय में, और आंख खोल के दर्शन कर रहे हैं। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मैया एक बार बाबा को देखें, एक बार कागभुसुंडी जी को देखें,
मैया कहें ये वाले आंख खोल नहीं रहे हैं, ये वाले आंख बंद नहीं कर रहे हैं, दोनों हैं कि सिधार गए, कुछ बोलते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। मैया ने कहा बाबा अरे उठोगे, बाबा क्या हुआ, ठीक तो हो। तब तक राघव जी ने बाबा की जटा धीरे से खींची, बाबा बाहर आओ, सारी पोल खोलोगे क्या। अब बाबा बहिर्मुखी हुए। हाँ मैया, मैया ने कहा बाबा मैं तो डर गई, तुम तो सांस भी नहीं ले रहे थे। बाबा ने कहा नहीं मैया, मैं वो अंतर ध्यान होकर देख रहा था कि क्या क्या है बालक के अंदर के गुण, तो वो मैं जांच रहा था। तो क्या लिखा है, भगवान शिव ने कहा मैया बालापन जौलो तौलो खेले तौ नयन आगे। जब तक ये छोटे हैं खूब बाल लीला करेंगे, आप सभी को खूब बाल सुख प्रदान करेंगे। मैया ने कहा अच्छा और क्या लिखा है, बड़ा होगा तो मेरा लल्ला क्या करेगा। मैया से बाबा ने कहा होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मैया जैसे ही आपका लल्ला किशोरावस्था को प्राप्त होगा ना, एक दिन एक महाराज जी आवेंगे और बाबा जी आपके लल्ला को लेके चले जाएंगे। मैया ने दासी से कहा दासी, दासी ने कहा हाँ मैया। मैया ने कहा ये बाबा जी के दान दक्षिणा का प्रबंध करो, इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ नहीं पता, ये कहते हैं मेरे लल्ला को बाबा ले जाएंगे, मैं क्यों दूंगी अपने लल्ला को किसी बाबा को, वो क्यों लेके जाए। महादेव ने कहा मैया भेज देगी ना तो आपका फायदा है, क्या फायदा, लल्ला अकेले जाएगा और बहुरानी लेके आएगा। मैया ने कहा हाँ बाबा बहुरानी आ जाएगी एक बार जाने पे, हाँ और त्रिभुवन सौंदर्य होगा जिनके पास, पूरे संसार में जैसी किसी की नहीं होगी ऐसी पुत्रवधू तुझे मिलेगी मैया, तो यही फायदा होगा। मैया ने कहा भगवान से मनाती हूँ बाबा जी जल्दी आ जाए, ताकि जल्दी जाए और जल्दी बहुरानी लेके आए। आगे क्या लिखा है, अब विवाह के उपरांत महादेव जानते हैं कि आगे तो वन की लीला है। महादेव ने कहा मैया रेखाएं बड़ी छोटी छोटी हैं, इसीलिए आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे, आगे वाली बात कभी फिर आऊंगा ना, तब रेखाएं बड़ी हो जाएंगी, लल्ला बड़ा हो जाएगा, लल्ला के हाथ बड़े हो जाएंगे, तब मैं आऊंगा, तब आपको आगे की बात बताऊंगा। महादेव ने कहा देवी ऐसे हमने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए,